जय भीम दोस्तों, पेरियार नामा सीरीज के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अनिल ह्यूमन। इन सीरीज में इस सीरीज में डिफरेंट जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हम समाज सुधारक जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। इसकी शुरुआत हम पेरियार ईवी रामास्वामी से करने जा रहे हैं, जो एक महान योद्धा थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो पाखंड अंधविश्वास से दूर हो। आइए चलते हैं आपके उनके जीवन यात्रा में। पैगंबर पेरियार ईवी रामास्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा महापुरुष जिसने एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जिसमें जाति विभेद, जिसमें अस्पृश्यता, अछूत, तमाम बुराइयां थी, लड़ने का साहस दिखाया इस पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। जून 27, 1970 में जब यूनेस्को ने एक अवार्ड से सम्मानित किया था पेरियार को, तो उस अवार्ड में जो शब्द लिखे हुए थे, उन शब्दों की गरिमा से, उन शब्दों के लहजे से आप समझ सकते हैं कि वो कितने निर्भीक, निडर व्यक्ति थे और समाज के सच्चे हितैषी थे। उस अवार्ड में लिखा था कि पेरियार नए युग के पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया के सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के जनक तथा अज्ञान, अंधविश्वास, निरर्थक रिवाजों और निराधार आचारों के कट्टर शत्रु। ये यूनेस्को जैसी संस्था इन शब्दों से नवाजती है, तो हम उनकी शख्सियत का पता लगा सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। पेरियार का जन्म इरोद नगर तमिलनाडु में 1879 को हुआ था, और उनका एक व्यापार था, पारिवारिक व्यापार था, समृद्ध व्यापार था। पिता वेंकट रमैया नायकर थे, और जबकि उनकी माता का नाम चिन्ना मथायमाल था। बचपन से इंटरेस्टिंग रहा है कि वो अपनी नानी के घर में रहते थे, क्योंकि नानी के घर में उनको आज़ादी थी, उनको इधर उधर घूमने की छूट मिलती थी। तो इस छूट का फ़ायदा उठाकर वो पास आसपास में जो भी गरीब लोग रहते थे या अछूत रहते थे, तो उनके घरों में चले जाया करते थे। तो वहाँ उनसे, उनको बचपन से ही अच्छा लगता था कि इस तरह से समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनसे मिलना जुलना उनको बचपन से ही अच्छा लगता था। लेकिन उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके पिता तक इस बात की सूचना जाती है तो उनको तुरंत घर वापस बुला लिया जाता है और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उन पर। 8 वर्ष की अवस्था में उनके पिता उनका स्कूल में दाखिला कराते हैं, और अचरज की बात है कि 10 वर्ष की अवस्था में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, यानी वो स्कूल से निकल आते हैं और उसके पश्चात शुरू करते हैं अपना पारिवारिक व्यवसाय, और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं उसके। 19 ईयर्स में जब पेरियार 19 वर्ष के थे तो उनकी शादी 13 वर्ष की नागमाई से हो गई थी, और चलते चलते 1911 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद उनका सामाजिक संघर्ष, उनकी जो प्रेरणाएं हैं वो समाज में दिखने को मिलती हैं। और अचरज की बात है कि वो एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 50 वर्षों से भी अधिक समय तक, 5 दशकों से भी अधिक समय तक समाज के लिए संघर्ष किया है, शोषण और दमन के खिलाफ एक नारा बुलंद किया है, और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया था कि शोषण और दमन का अंत। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, लेकिन उनके आंदोलनों को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि को समझें। प्राचीन जो तमिल प्रदेश था उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कालांतर में वहां भी वर्ण व्यवस्था आती है और अपने चरम पर पहुंचती है। सो कॉल्ड जो सुपीरियर अपर कास्ट होता है वो सेंट्रलाइज होता है सारे राइट्स के लिए, उसके पास सारे अधिकार होते हैं। तो इस तरह से ये चीज उनको खटक रही थी। उत्तर भारत का जो उस वक्त का हाल था, उस समय उत्तर भारत में जो अस्पृश्यता थी,
जो छुआछूत थी वो एक उसकी एक लिमिट थी, वो एक लिमिट तक थी। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि इसका विभत्स रूप था, गले में हांडी पीठ में झाड़ू, ये दक्षिण भारत का ही उदाहरण है। तो ये विभत्स रूप था। हालांकि पेरियार बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति थे। उनके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। वो गलत और सही को पहचानते थे, वो सच को सच कहने की हिम्मत रखते थे। इस बीच में उन्होंने अपनी वाराणसी यात्रा शुरू की। वाराणसी भ्रमण के बाद उन्होंने देखा कि वाराणसी भी अन्य धार्मिक नगरों की तरह से ही है, वो कुछ अलग नहीं है। और वहाँ पर जो पंडे और पुजारी हैं उनका चरित्र भी उच्च और अनुकरणीय उतना ही है जितना अन्यत्र स्थानों पर। तो इस तरह से उनका मन उद्वेलित हो गया था इन सामाजिक विषमताओं को देखते हुए। 20 के दशक में उनके साथ दो घटनाएं घटती हैं जिसके बाद वो अपना मन परिवर्तित कर लेते हैं सामाजिक आंदोलन लड़ने के लिए। 20 के दशक में पेरियार के साथ दो घटनाएं घटती हैं और इन्हीं घटनाओं से उनके मन में उभरती हुई जो मानसिकता थी उसका रिफ्लेक्शन मिलता है हमें कि वो कितना डिवोटेड हो गए थे। उसके बाद उनके दिमाग के अंदर कैसी उद्वेलना थी सामाजिक विषमता के प्रति। पहली घटना है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुकुल की स्थापना की गई थी और गुरुकुल का उद्देश्य था कि धार्मिक शिक्षा के माध्यम से देशभक्ति तथा सेवा का भाव जागृत करना। लेकिन उस गुरुकुल की विडंबना ये थी कि वहां गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के साथ भी भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन का। और किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था वो भी अचरज की बात है कि वहां पर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो खाने की व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी और जो अस्पृश्य लोग थे उनके लिए बहुत साधारण भोजन की व्यवस्था थी। इस तरह से जब पेरियार को इसका पता चलता है तो उन्होंने इसका डटकर मुकाबला किया, इसका विरोध किया। और समाज की विडंबना देखिए कि उस गुरुकुल को चलाने वाली संस्था के जो प्रमुख थे उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने से मना कर दिया। उन्हें यह अच्छा लगा कि व्यवस्था को बदलने से बेटर है कि मैं इस संस्था को ही बंद कर देता हूं। तो अल्टीमेटली वो संस्था ही बंद कर दी गई। तो आप उस समय की मानसिकता का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी घटना उनके साथ जो घटी वो वैकुम, एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर एक शिव मंदिर है, उसके आसपास की घटना है कि उस मंदिर के आसपास जितने भी अनटचेबल्स रहते थे वो मंदिर से लगी हुई गलियों से या मंदिर से के आसपास से जाने वाले रास्तों से उनका जाना प्रतिबंधित था। तो जब उनको अपने पास के किसी गांव में जाना होता था तो वो उस शॉर्टकट रास्ते से नहीं जा सकते थे, उसके लिए उनको एक लंबा रास्ता, लंबा सफर तय करना पड़ता था। यानी ये मान लीजिए कि अगर 2 किलोमीटर का रास्ता है तो उनको 10 किलोमीटर दूरी से जाकर वहां पहुंचना होता था। तो इस बात का भी जब पेरियार को पता चला तो उन्होंने इसका भी विरोध किया, आंदोलन किया इसके खिलाफ और इस प्रतिबंध से वहां के स्थानीय लोगों को मुक्ति दिलाई। इसलिए इतिहास में उनको वैकुम वीर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात की उपाधि दी गई। इसके बाद पेरियार राजनीतिक दल में भी शामिल हुए बट अल्टीमेटली 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद शुरुआत होती है उनके आत्मसम्मान आंदोलन की। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य पाखंड और अंधविश्वास को समूल नष्ट करना था। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति में स्वाभिमान जागृत करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका एम था वो था धर्म और ईश्वर के नाम पर चल रहे पुरोहितों के शोषण को समाप्त करना था। तो इस आंदोलन और उनके जीवन की और भी तमाम इंटरेस्टिंग और क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं जो उन्होंने काम की हैं उसको लेकर मैं आपके सामने अगले एपिसोड में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम दोस्तों।